देखो इतों ही अंदाजा ला लो कि जेडे स्पोक्सपर्सन बैठे अपनी अपनी पार्टी का पक्ष देने वास्ते जिमें जहर उगल रहे हैं इसे तरीके पार्टिया के उम्मीदवार ने ज उन्होंने समर्थकों ने अगे जाके गल करनी है बेसलैस गल् जड़िया करके तुसी देखो ये दो पार्टिया ने जिन्हों का तुसी देखो कि वालिया साहब तुसी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो बड़ी घोख करते हो माइक्रो ते जाके तुसी जाके हर चीज की घोख करते हो यह किस तरह का इन्हों का चोन समझौता होया कि चलता दिल्ली तो इत्थे चंडीगढ़ तक कांग्रेस इन्हां वास्ते आम आदमी पार्टी वास्ते बिल्कुल दुध धोती हुंदी है ते नाल ही साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली है उत्थे आके कांग्रेस जिहड़ी है वह कातल भी है वह बदमाश पार्टी भी है ते वह भ्रिष्टाचारी भी है ते उस दे उत्ते तरह तरह के इल्जाम ने जिहड़े कि मैं नहीं लगा रहा असीं तां लाउंदे ही हाँ क्योंकि असीं तत्थां दे आधार ते गल करदे हाँ लेकिन यह जी आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का जो गठजोड़ है पंजाब दे विच उस दे बारे ये दोनों पार्टियां दे नुमाइंदे ही पहला दस दे ने इत्थों ही इलैक्शन कमीशन दी हिदायतां दा पता लग जाएगा कि यह किन्ना गोल दी पालना कर रहे हैं ये बेअसूले गठजोड़ करके अज एक दूजे नूं बचाउण वास्ते जिस तरीके दीआं गल्लां कर रहे ने वह वोटर बहुत चंगी तरह जानते ने ठीक है समय दे हालात हुंदे ने तुसी देखो कि यह इलैक्शन जिहड़ा होण जा रहा यह हुण असीं तां नहीं कर दिता असीं तां हमेशा कहने कि जेडे जख्म जेडे करेदे ना जान लेकिन 1 जून ते 4 जून की भुल जाएंगे सिख कौम जां पंजाबी जां देश दुनिया अंदर वसदी सिख कौम ये फिर कहणगे कि उहदे नाल जोड़दा वह इलैक्शन कमीशन नूं असीं तां नहीं कहा डेटा लेकिन जिवें ही 1 जून आएगी जिस दिन वोटां पैणगियां ते जिस दिन रिजल्ट आउणगे 4 जून ते की वह सारिया चीजा जिहड़ियां ने वह सामने अखा च अगे नहीं आउणगियां ये फिर यह गल्ला कहणगे कि वेखो जी ये गल्ला क्यों कर रहे ने मैं जिहड़ी इलैक्शन कमीशन की जो मेरी एक इंडिविजुअल पार्टी तो अलग मेरी एक सोच एक वोटर के नाते मैं महसूस करदा कि जिवें संयुक्त राष्ट्र है जिस तरीके दे नाल संयुक्त राष्ट्र की भूमिका आपां दुनिया दे विच वेखदे आ उस तरीके की भूमिका जिहड़ी है वह इत्थे भारतीय इलैक्शन कमीशन की इन्होंने सारिया सियासी पार्टियां ने बनाई हुई है उन संयुक्त राष्ट्र के सामने दो देश लड़ रहे ने जख्मियों के उत्ते बमबारी हो रही है फलस्तीनियों नूं मारिया जा रहा इजराइल उनके उत्ते हमले कर रहा है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के कोलों अपीलां भी जा रही दलीलां भी जा रही ने लेकिन उतों कोई आस नहीं हैगी इस तरीके दे नाल जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है मैं महसूस करना कि उनका मजबूत होना लोकतंत्र लिए बड़ा जरूरी है डेमोक्रेसी बनाने वाली कोई भी पार्टी चाहे सत्ता पार्टी होवे चाहे जेड़ा कोई मजबूत विरोधी धिर होवे जिथे जिथे भी कोई गलती करता है कोई उम्मीदवार गलती करता है उस दे उपर बहुत वड्डा जेड़ा एक सख्त डंडा जेड़ा वो कायम रहना चाहिदा बड़ा जरूरी है पर इस तरह हुंदा नहीं क्योंकि चेतावनियां संयुक्त राष्ट्र भी दिंदा लेकिन उनके उत्ते किन्ना को अमल होया पूरी दुनिया देख रही है इस तरीके नाल भारतीय इलैक्शन कमीशन मैं जदों दा मैं महसूस कर रहा जदों दी सुरत संभी है कि इस भारतीय इलैक्शन कमीशन ने एक बार साडी आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं ना जी असी बदलाव लिया यह बदलाव साढ़े को भी सी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के कोल तुहानू भी याद होगा कि भारतीय इलैक्शन कमीशन ने रातों रात जदों साडे डब्बे लोगों के बूथां दे उत्ते पहुंचे हुए सी पिंडां दे विच बूथ पद्धर दे उत्ते जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ने चोणां वास्ते समगरी भेजी हुई सी टी एन शैचर ने चोणां रद्द कर दित्तियां उस दा उस वेले कांग्रेस सी और उस कांग्रेस पार्टी ने जां जिहड़ी उस वेले दी धिर सी उन्होंने उस वेले इलैक्शन कमीशन नूं बहुत बुरी तरह वरत्या सो ये जिहड़ियां गल्लां ने ये निरपक्ष होनियां बड़ियां जरूरी ने